41 साल पहले सिनेमा के रुपहले पर्दे पर एक ऐसी लड़की ने दस्तक दी जिसकी पहली ही फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास रच दिया। इनोसेंट, बबली, भारतीय खूबसूरती लिए मासूम सी दिखने वाली एक लड़की जिसे देखकर गर्ल नेक्स्ट डोर की फीलिंग आती थी। जब तक यूपी के छोटे से गांव की एक सीधी साधी बाला गुंजा का किरदार निभाने वाली इस एक्ट्रेस ने इस सामान्य सी फिल्म से ही सबके दिलों में जगह बना ली। तुम बहुत बड़े हो चंदन। हाँ, पहले हम तुम्हें केवल चाहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म नदिया के पार की ये गुंजा अब कहाँ है और क्या कर रही है? क्या आपको पता है कि दर्जनों फिल्मों और टीवी सीरीज में काम करने वाली इस अभिनेत्री को क्यों इस कदर भुला दिया गया? और क्यों भारतीय ट्रेडिशनल किरदारों को निभाने का इन्हें बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ा और इस बेहद खूबसूरत अभिनेत्री को नॉन ग्लैमरस करार देकर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया? जन्म जन्म। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहली ही फिल्म से पर्दे पर चमकी सितारा साधना सिंह की। साधना सिंह का जन्म 1965 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का परिवार देश के बंटवारे के बाद लाहौर से भारत आ गया था और धार्मिक नगरी वाराणसी को अपना आशियाना बना लिया था। भारत आने के बाद इनके पिता ने LIC में नौकरी कर ली और परिवार नए सिरे से बसने की कोशिश करने लगा। इसी परिवार में आगे चलकर साधना का जन्म हुआ। साधना की माँ एक गृहिणी थी, हालांकि इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। माँ फिल्मों की शौकीन थीं और वेटरन एक्ट्रेस साधना की फैन थीं, इसलिए अपनी बेटी का नाम भी साधना रख दिया। साधना की एक बड़ी बहन भी थीं, सुरिंदर कौर, जिन्होंने आगे चलकर डांसर और एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाई। बचपन में साधना खूब गाने गाया करती थीं और एक सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थीं। साधना की बड़ी बहन इसी बीच दिल्ली चली गईं और वहां पंडित बिरजू महाराज से क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग लेने लगीं। बाद में एक डांसर के तौर पर इनकी बहन सुरेंद्र कौर को राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म पायल की झनकार में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में सुरेंद्र ने वीणा नाम का किरदार निभाया था। इसी फिल्म की शूटिंग के लिए सुरेंद्र को मुंबई जाना पड़ा तो उन्होंने सोचा, बहन को भी बुला लेती हूँ, शूटिंग भी देख लेगी और मुझे कंपनी भी मिल जाएगी। साधना मुंबई पहुंची और बहन के साथ शूटिंग सेट पर जाने लगी। वहां फिल्म के डायरेक्टर गोविंद मोनिस की नजर साधना पर पड़ी, जो उस समय महज 16-17 साल की थी और काफी खूबसूरत नजर आती थी। दरअसल उस समय राजश्री प्रोडक्शन की ही दूसरी फिल्म नदिया के पार की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और उसमें लीड एक्ट्रेस के लिए डायरेक्टर गोविंद मुनीस एक नए चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने साधना को इस फिल्म के लिए ऑफर दिया। साधना तो सिंगर बनना चाहती थी, सो ऑफर में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन जब इनकी बहन को ये बात पता चली तो उन्होंने खूब डांटा और समझाया कि इस मौके को हाथ से मत जाने दो। साधना ने हामी भरी और फिल्म का हिस्सा बन गई। कुछ ही दिनों बाद इस फिल्म की शूटिंग के लिए पूरा क्रू यूपी के जौनपुर के एक गांव जा पहुंचा और खेत खलिहानों, झोपड़ियों और पगडंडियों पर शूटिंग की जाने लगी, क्योंकि इसकी कहानी यूपी के एक ग्रामीण परिवार की थी। आइए, आज बढ़िया अवभगत होने लगी। तो का द्वारे पे कोई आए तो उसे डंडा लेके खदेड़ा जाए। का भरोसा चौबेपुर की लड़कियों का कुछ भी करें। इतना डर लगने लगा। नहीं नहीं, डर नहीं, वो कहते हैं ना
होशियार को मार नहीं। चूंकि साधना सिंह बनारस के शहरी माहौल में पली बड़ी थी तो गुंजा के किरदार में ढलने के लिए इन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। डायरेक्टर मुनीस साहब ने साफ कह दिया कि इन्हें नंगे पैर खेतों में चलना होगा, ब्रश नहीं दातून करना होगा, गवई भाषा सीखनी होगी और गाँव के लोगों की तरह ही बॉडी लैंग्वेज डेवलप करनी होगी, तब शूटिंग शुरू होगी। ओवर का द्वार ऐसे ही नीला पाओगे पौना, यहाँ द्वार पढ़ना पड़ता है, कोई दोहा कवित या सवैया सुनाओ पढ़ के। पहले तो साधना डर गईं और फिल्म छोड़ने का मन बनाने लगीं, लेकिन एक बार फिर बहन के समझाने पर सब कुछ सीखना शुरू किया और फिर इसे एक चैलेंज की तरह लिया। धीरे धीरे साधना सिंह पूरी तरह से गुंजा बन चुकी थी, इनके बैठने बोलने चलने का अंदाज बदल चुका था। शूटिंग शुरू हुई और फिर तो इन्होंने गुंजा का किरदार इस कदर निभाया कि फिल्म रिलीज होते ही गुंजा के तौर पर ये देश भर में छा गईं और आज इस फिल्म के रिलीज के 41 साल बाद भी भारतीय दर्शक गुंजा को भुला नहीं पाए हैं। एक जनवरी 1982 को फिल्म रिलीज हुई थी और इसकी सफलता ने गुंजा यानी साधना सिंह को रातों रात स्टार बना दिया और मिडिल क्लास परिवार की एक साधारण सी लड़की अब लाखों युवा दिलों की धड़कन बन गई थी। जब तक पूरे ना साथ। वैसे तो इस फिल्म का हर कलाकार शानदार था, लेकिन गुंजा का किरदार निभाने वाली साधना सिंह की मासूमियत लोगों को इतनी पसंद आई कि उस दौर में पैदा होने वाली कई लड़कियों के नाम गुंजा रखे जाने लगे। बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग खत्म करके जब साधना मुंबई लौटने लगी तो जौनपुर के उस गांव की कई महिलाएं रोने लगी थीं, क्योंकि महीनों साथ रहने से उन्हें साधना से बेहद लगाव हो गया था। ये गांव की वही सीधी सादी महिलाएं थीं जो फिल्म के भी कई हिस्से में नजर आई थीं। ससुराल जा रही हो? साल 1995 में जब राजश्री प्रोडक्शन ने इस फिल्म की हिंदी रीमेक हम आपके हैं कौन बनाई तो गुंजा के किरदार में तब की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित को उतारा और ये फिल्म भी जबरदस्त हिट रही। खैर, फिल्म नदिया के पार के बाद साधना उस दौर के निर्देशकों की पसंद बन गईं, खासकर जिन्हें अपनी फिल्म के लिए ग्रामीण परिवेश की लड़की के तौर पर हीरोइन की तलाश होती थी। साधना ने कई फिल्में साइन कर लीं और काम में पूरी तरह से व्यस्त हो गईं। इसके लगभग डेढ़ साल बाद साल 1984 में साधना सिंह की अगली फिल्म रिलीज हुई ससुराल, जिसे इनके पहले डायरेक्टर गोविंद मुनीस ने ही डायरेक्ट किया था। सुन गांव की गोरी सुनकर बतिया तो मैंने समझा। इस फिल्म में साधना के अपोजिट अरुण गोविल ने काम किया था जो उस दौर में अपने लिए एक अदद हिट फिल्म का इंतजार कर रहे थे। इस फिल्म में भी साधना सिंह ने गांव की ही लड़की का किरदार निभाया, लेकिन इसे वो सफलता नहीं मिल सकी जो नदिया के पार को मिली थी। 1985 में साधना की एक के बाद एक पांच फिल्में रिलीज हुई, जिसमें पुराने को एक्टर सचिन के साथ ही इनकी अगली फिल्म रही पिया मिलन, और इसमें भी साधना का किरदार ग्रामीण ही था। की ही फिल्म रही पापी संसार, जो कि अब इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा फिल्म ये कैसा फर्ज आई, जिसमें वेटरन एक्ट्रेस नूतन के साथ इनका छोटा सा किरदार रहा। इसी साल की एक और फिल्म रही सुर संगम, जिसमें इन्होंने एक्ट्रेस जया प्रदा और गिरीश कर्नाड के साथ काम किया। इस फिल्म में भी साधना के को एक्टर सचिन ही थे। इस साल की साधना की पांचवी फिल्म रही तुलसी, जिसमें एक बार फिर से इनके साथ सचिन पिलगांवकर की ही जोड़ी थी। इसमें साधना का डबल रोल था। जन्म जन्म का, तुम संगलता है। हालांकि इस फिल्म के गाने तो हिट रहे, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। साल 1986 में इनकी एक फिल्म आई बदकार,
जिसमें इन्हें जहीन अभिनेता संजीव कुमार के साथ काम करने का मौका मिला और साथ में कुछ गाने भी फिल्माए गए। इसी साल एक्टर सचिन के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई दुर्गामा, जिसमें इन्होंने एक पारिवारिक महिला का किरदार निभाया। जय माता रानी, दुर्गे के जय महारानी। 1987 में साधना सिंह सिर्फ एक फिल्म में नजर आईं। ये फिल्म थी परिवार, जिसमें इनका कैमियो रोल था। चाहती हूँ फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी तेरी दुनिया में, मगर अपनी औलाद को छोड़ कर जाऊंगी, तेरे इस घोर पाप का बदला लेगी मेरी औलाद। साल 1988 में भी साधना की एक ही फिल्म रिलीज हुई फलक, जिसमें इनका बेहद छोटा रोल रहा। साल 1989 में इनकी एक फिल्म आई औरत और पत्थर, जिसका प्रिंट इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। इसके दो साल के गैप के बाद 1991 में साधना सिंह की एक फिल्म आई प्यार का सावन। मस्ती का जीवन, मस्ती का गाना, थोड़ा कमाना और थोड़ा। ये साधना सिंह की आखिरी फिल्म साबित हुई और इसके बाद साधना ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। बाद के सालों में साधना ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि इन्हें अपनी पसंद की अच्छी फिल्में नहीं मिल पा रही थीं, इसलिए आखिरकार थक हार कर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया था। साल 1982 से 1991 तक साधना सिंह ने कुल 12 फिल्मों में काम किया था और इनमें से एक भी ऐसी फिल्म नहीं रही थी जिनमें गांव की लड़की के अलावा इन्होंने कोई और किरदार निभाया हो। हर फिल्म में इनका एक ही गेटअप होता, एक ही तरह की बोली भाषा वाली ये फिल्में थीं, जिनमें एक साधारण ग्रामीण चरित्र इन्होंने निभाया था। अब ये इनकी अपनी कमजोरी कहें तो ये भी जानना होगा कि क्या किसी भी तरह के अलग किरदार इन्हें किसी फिल्म में ऑफर किया गया था। तो जानकार बताते हैं कि ये अपनी पहली ही फिल्म से टाइप्ड हो गई थी, इसलिए नदिया के पार के बाद इनके ऊपर गांव की गोरी का जो ठप्पा लगा उसे ये कभी भी मिटा नहीं पाई और बिल्कुल एक से किरदार में ही फिल्म मेकर्स ने भी इन्हें बांध दिया। तो साथ ही साधना भी ऐसी फिल्में ही करती रहीं और अपने किरदारों के साथ किसी तरह का प्रयोग नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि फिर इन्हें फिल्में मिलनी ही बंद हो गईं। हालांकि बाद में साधना ने कोशिश भी की, लेकिन फिर किसी भी नामी डायरेक्टर ने इन्हें काम नहीं दिया और इन्हें इंडस्ट्री में नॉन ग्लैमरस एक्ट्रेस करार दे दिया गया। साधना ने इसके बाद एक ब्रेक लिया और अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त रहीं। इसके बाद लगभग 10 साल के अंतराल के बाद ये छोटे पर्दे पर एक्टिंग करती नजर आईं और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी। 2001 से 2016 के बीच इन्होंने कई सीरियल्स में अभिनय किया, जिनमें कभी तो मिलेंगे, प्यार जिंदगी है, प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, फुलवा और हमारी सिस्टर दीदी आदि शामिल हैं। साल 2016 में साधना सिंह ने फिर बड़े पर्दे पर फिल्म जुगनी से वापसी की। इसके बाद साल 2017 में ये अनुराग कश्यप की फिल्म मुक्काबाज में नजर आईं। क्या गया इसने? तौलिया मांगा था। सुना हमने, सबने सुना, इसीलिए तुम लेके आई। ये भी यही कहने की कोशिश कर रही थी। क्या गुर कह रही हो? आंखें फोड़ देंगे तुम्हारी, बाहर जा। फिर साल 2019 में सुपर 30 जैसी हिट फिल्म में इन्होंने ऋतिक रोशन की माँ का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। जो लोग कैम्ब्रिज नहीं जाता उसका जिंदगी रुक जाता है का? हमारा बेटा है। साल 2022 में फिल्म गिल्टी माइंड्स में ये नजर आई, तो इसी समय इनकी एक शॉर्ट फिल्म द्रोणाचार्य भी देखने को मिली। अभी भी इनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साधना सिंह काम कर रही हैं। चलिए अब बात करते हैं साधना सिंह की पर्सनल लाइफ की। तो हिंदी भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी से 1985 में इन्होंने शादी रचाई थी। इनके पति झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले थे, जिनके पिता जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी थे। ये वही शख्स थे जिन्होंने भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई बो प्रोड्यूस की थी। साथ ही इन्होंने अपनी बहू साधना सिंह की भी कई फिल्में तब प्रोड्यूस की थीं जब ये शादी नहीं हुई थी। 1984 में आई साधना की फिल्म ससुराल के निर्माता इनके ससुर ही थे और उसी फिल्म के सेट पर पहली बार साधना की मुलाकात राजकुमार शाहबादी से हुई थी।
अगले ही साल दोनों ने शादी रचा ली थी और उसके एक साल बाद 1986 में इनकी बेटी पैदा हुई शीना। इनके एक बेटे भी हुए जिनका नाम कहीं लिखा नहीं मिलता, तो वहीं बेटी शीना भी अब एक एक्ट्रेस हैं। साल 2009 में आई फिल्म तेरे संग से शीना ने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में शीना ने नाबालिग गर्भवती का रोल प्ले किया था और ये फिल्म हिट रही थी। गले के पीछे गुतुब के नीचे हम तो नाचेंगे मस्ती में। अपने करियर में शीना अब तक करीब 12 फिल्में कर चुकी हैं और अब भी एक्टिव हैं। साधना ने अब तक कुल 18 फिल्मों और 12 टीवी सीरियल में काम किया है, लेकिन इनको अब ज्यादातर लोग गुंजा के रूप में नहीं पहचानते। इसीलिए इनके चाहने वालों के लिए हमने इनकी पूरी कहानी आपके बीच लाने की कोशिश की। हालांकि साधना सोशल मीडिया पर अब काफी एक्टिव रहती हैं और वाराणसी की रहने वाली ये अदाकारा अपने घर के आसपास के घाटों की तस्वीरें हमेशा पोस्ट किया करती हैं। माँ गंगा किनारे रहने वाली इस खूबसूरत अदाकारा के काम को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके चाहने वालों के बीच ये और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में आगे नजर आएंगी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनकी कौन सी फिल्म या गाना आपको पसंद है वो भी लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और सच्ची फिल्मी किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनलों बेबाक बॉलीवुड, बॉलीवुड बाई वेदिका और वो पुराने दिन को भी देख सकते हैं। साथ ही आप यूट्यूब के थैंक्स बटन के जरिए मेरे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।